नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्जाम कब होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन पूरा यूट्यूब इस समय ट्रेंडिंग जो कर रहा है 67th बीपीएससी री एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा। इसको अगर एक बार सर्च में मारिए तो इतने सारे वीडियो आएंगे आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। कोई ये रिकॉर्डिंग दिखा के सुना रहा है, कोई वो रिकॉर्डिंग दिखा के सुना रहा है, कोई कहीं और का कोई क्लिप ला के दिखा रहा है, कोई कहीं और का कोई लेटर ला के दिखा रहा है, उसमें वीडियो बना रहा है। हथेरे वीडियो बने हुए हैं, हथेरे, सबको इनकम हो रहा है, मुझे भी। लेकिन अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो सिर्फ छात्र को हो रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने किए जा रहे हैं। स्टूडेंट का क्या होने वाला है इसकी कोई परवाह नहीं किए हुए, सब खुद की किए हुए हैं। तो आप स्टूडेंट हो ना, आप खुद का क्यों नहीं देखते हो, जवाब दो। क्यों ना देखते हो खुद का, क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो, यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूं। अब चलते हैं 21 सितंबर, इतिहास का वो इकलौता ऐसा दिन। यह क्या है 21 सितंबर, आपसे मैं क्वेश्चन पूछा, क्या है 21 सितंबर, क्यों 21 सितंबर को ही एग्जाम लेने के लिए न जाने ड्रामा और न जाने पता न क्या क्या पृष्ठभूमि तय की जा रही है कि जब भी एग्जाम लेंगे 21 सितंबर को ही लेंगे। अरे ठीक है, ले लो, ठीक है ले लो, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। जो लड़के दूर में है वो कैसे बिहार आएंगे, जवाब दो। क्या टिकट मिलेगी, ऐसे हजारों क्वेश्चन हैं। लेकिन चेयरमैन सर, थोड़ी देर के लिए जिंदगी को रोक के खुद से पूछ लीजिए कि जिस 21 सितंबर को आप एग्जाम देने के लिए फिर से अकल लिए बैठे हो, इसमें यूपीएससी बर्बाद हो रहा है, यूपीएससी के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं जो बिहार के हैं, किसी दूसरे स्टेट के नहीं है। उनके बारे में आपको सोचने के लिए टाइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 21 सितंबर को पूरी तरीके से पृष्ठभूमि तय कर दिया हो। मैंने बोला था ना, दो शिफ्ट में मुझे एग्जाम लेने दो, पक्का पेपर लीक नहीं होगा। आप लोगों ने आंदोलन किया, हमने एक शिफ्ट में एग्जाम लिया, अब पेपर लीक हो गया तो मैं क्या करूं, क्या करूं। अरे क्या करूं की बात नहीं है, आपको एक बात बताऊं, ऐसे ऐसे जगह पे सेंटर जा रहे हैं बीपीएससी की, जो इतिहास में कभी बीपीएससी का सेंटर वहां नहीं गया है। अब तनिक जिंदगी को एक मिनट रोक के खुद से पूछ लो, ये लोग कर क्या रहे हैं। यकीन मानो, आप मेहनत कर लो, रिजल्ट किसी और का होगा, किसी और का होगा, आपका रिजल्ट ये लोग होने नहीं देंगे, किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। ये लोग इतना तमाशा बना के रख दिए हैं, बच्चे को डिप्रेशन में ले जाकर छोड़ दिए हैं। इंसान सोच नहीं सकता है, कोई रणनीति नहीं बना सकता है, पागल हो बैठा स्टूडेंट। आयोग ने भी कह दिया है, तुमने आंदोलन किया था ना, आंदोलन करके मुझे बेइज्जती किया था ना, मेरा भी नाम अतुल प्रसाद सर है, मैं भी तुम्हें औकात दिखा दूंगा, मैं भी आईएएस रह चुका हूं, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इसका असर पूरे बीपीएससी एस्पिरेंट से लेके यूपीएससी एस्पिरेंट तक भुगतो। अरे कमाल की बात है, ऐसी अकल जिसका कुछ भी निदान नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे आपको कोई फायदा नहीं है। इतिहास हमेशा हमेशा के लिए ऐसी जगह पे सर आपको देखेगा ना, जहां से आप अपने बारे में जब बैक होके देखिएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा हमने जीवन में किया क्या, क्या किया, सिर्फ बर्बाद किया, सिर्फ बर्बाद किया, और इसके सिवा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जेपी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन आपने खड़ा करवा दिया, निहत्ते पे डंडा आपकी वजह से चली, सब कुछ में सिर्फ आप हो, और फिर से पेपर लीक होने जा रहा है, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे, क्योंकि जिस गति और दुर्गति में ये लोग एग्जाम लेने के लिए कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, आप कहिएगा सच बात बोले सुजीत सर, क्योंकि ये लोग की अगर
बीपीएससी को लेकर डूब जाएगी, बीपीएससी की सारे जमाने में फुतू होगी सिर्फ इन लोगों की वजह से। बस 21 सितंबर, क्या है 21 सितंबर भाई, कोई राज तो खोले, या इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, सर के ऊपर दबाव बना हुआ है, मैं इससे भी दो चार नहीं हो सकता हूं, क्योंकि अच्छी है तो बुरी भी बातें हो सकता है, दबाव में काम कर रहे हैं, अगर दबाव में काम कर रहे हैं तो 6 लाख के लोगों की जिंदगी के साथ में मजाक किस बात का हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हम यूपीएससी की एस्पिरेंट्स को बीपीएससी में आने से पूरी तरीके से रोक के रखे, इसके पीछे का मामला क्या है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तनिक जिंदगी को एक मिनट रोक के पूछो, ये लोग कौन सी तमाशा कर रहे हैं कि यूपीएससी को अंदर आने के लिए दे ही नहीं रहे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्यों नहीं आएंगे भाई, क्या उनका बिहार नहीं है क्या, क्या उनका बिहार में सब कुछ नहीं है क्या, क्या उनका घर बिहार में नहीं है क्या, क्या उनकी मातृभूमि बिहार नहीं है क्या, फिर उनको क्यों नहीं बीपीएससी का एग्जाम देने दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे की मंशा क्या चेयरमैन की, जबकि खुद उसी एग्जाम से सिलेक्ट होके इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। एक मिनट जिंदगी को रोकिए और खुद से पूछ लीजिए, आपको जितनी गाली देना है आप दे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमेंट बॉक्स ऑन रहेगा, आपको जो दिल करे कीजिए, लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता है, अरे आप खुद ही नहीं सोचते हो, जमाना क्या खास सोचेगा आपके बारे में, लेकिन एक मिनट रोक के पूछो, सर प्लीज समझिए, सर समझिए आप क्या करने जा रहे हैं, आप जो करने जा रहे हैं ना उससे भला किसी का नहीं हो, हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सुजीत सर प्लीज 21 सितंबर को होने दो, क्यों चेयरमैन को उंगली कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, प्लीज होने तो दो, 2020 के बाद एक भी इम्तिहान नहीं हुआ, होने दो, अरे होने तो दे दो, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं होगा, मत उतावले पन में आओ, होने नहीं देगा आयोग आपका रिजल्ट, आप अभी भी वक्त है, वक्त के साथ में ना इंसाफी नहीं बल्कि वक्त की नजाकत को पकड़ो, ये लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये गंध मचा दिए ना आप सोच नहीं सकते हो, स्टील के बॉक्स में बंद होके पेपर आएगा, क्या मजाक करते हो सर, क्या बीपीएससी एस्पिरेंट्स को गधा समझ के रखे हो क्या, गधे ये लोग, अरे बॉक्स भी आप ही का है, ताला भी आप ही का लगा हुआ है, पेपर भी आप ही का है, तो उसमें आप क्या किया हो ड्रामा वो मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी पता है, आप चाहे स्टील का बॉक्स रखो, चाहे आयरन का बॉक्स रखो, चाहे तांबा का रखो, चाहे गोल्ड का रखो, चाहे डायमंड का रखो, ताले की चाबी तो आप ही के पास है ना सर, क्यों मजाक करते हो बच्चों के साथ में, हर बार बाहर से पेपर लीक कभी नहीं हुआ, आज तक का इतिहास है, बाहर से लीक ना कभी हुआ है ना कभी होगा, लीक आप ही के लोग करवाते हैं अंदर से, जिसको कहते हैं ना गुप्त है, इसी गुप्त रोग से होता पेपर लीक, और ये लीक करवाने में आप सबका हाथ होता है। सुजीत सर ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे बोल नहीं सकता हूं, इतिहास गवाह है, जाके देखिए, अभी 8 मई ज्यादा दिन बीता हुआ नहीं है, आज भी 8 मई दिल के अंदर है, जो दर्द देता है, न जाने कितने को निगल गया आप लोगों की वजह से, पहले जाके आप अपने घर को सही करो, फिर 21 सितंबर को लेना एग्जाम, घर आपका सही नहीं है, बैठे हुए सब बागर बिल्ले हैं जो तमाशा बना के रखे हुए, और आप बाहर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे पहले घर संभालो चेयरमैन सर, घर संभालो, वही स्थिति आपके हाथ से बाहर है, फिर पेपर लीक होगा और फिर कोई और नहीं होगा, आप ही के अंदर इर्द गिर्द में बैठा हुआ कोई बड़ा बागर बिल्ला अधिकारी होगा, वही पेपर लीक करवाएगा, और आप देखते रह जाओगे, चश्मा इसे के खोलना पड़ जाएगा, ओह माय गॉड ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वही हुआ जो आप चाह रहे थे। दोस्तों संभलिए, वक्त है हम सब मिलकर आवाज उठाएं, यूपीएससी के एस्पिरेंट को बाहर हम होने नहीं देंगे, और ये सच कहते हैं किसी भी हालत में, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नवंबर में करवाओ, अक्टूबर में करवाओ, बस 21 तारीख को आप करवा रहे हैं, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है 21 तारीख को,
21 तारीख बिहार के इतिहास में वो काला सच बनने वाला है जो आने वाले टाइम में एक इतिहास बन जाएगा। आप कहना सुखी सर सही बात बोले, 21 तारीख इतिहास बनेगा। अरे 7 दिन बढ़ा के 28 को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई समस्या नहीं है। आप 21 को क्यों चिंत माने हुए हो और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोग अंदर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मिल गया बेटा तो ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, बच्चे को क्यों सच बता रहे हो? मिल गया तो ठीक है, दे देंगे नोटिफिकेशन, डायरेक्ट एडमिट कार्ड देंगे। अरे बिल्कुल मत बना, डायरेक्ट एडमिट कार्ड नहीं होगा, डायरेक्ट पेपर लीक होगा और जिसकी मदद किसी को नहीं लगने वाली है। और इस बार फिर से बिहार के बीपीएससी एक इतिहास लिखने जाएगा, देख लेना कहना क्या होता है। आज भले आपको मजाक लग जाए लेकिन कल यही दिन जो है एक इतिहास बनकर रह जाएगा। इसलिए प्लीज आवाज उठाइए, बीपीएससी को साथ रखिए, बीपीएससी के बिना बिहार भी अधूरा है, हम सब भी अधूरा है, सॉरी यूपीएससी के बिना, यूपीएससी को साथ रखिए और हम सब मिलकर साथ देंगे कि यूपीएससी के स्टूडेंट भी बीपीएससी में आसानी से इत्मीनान से शांति से आके एग्जाम दें और क्रैक करें। मेरी हमेशा दुआ रहेगी, हम सब यूपीएससी के स्टूडेंट को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो हिंदुस्तान में किसी स्टेट में तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो आके बीपीएससी जरूर दें और इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि उनको दे। किसी भी हालत में अगर ये 21 तारीख को करते हैं तो एग्जाम नहीं होगा, ये इतिहास का सबसे बड़ा धांधली होगा, याद रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।